हराम होने के लिए सबूत चाहिए। कोई अगर तुमसे कहे कि रबीउल अव्वल में अपने घर में जो तुम ये रोशनी कर रहे हो इसका सबूत दो, तो तुम कहना कि ये हराम है, तू इसका सबूत दे। रही जायज होने की बात तो उससे कह देना ये जो चप्पल पहन रहा बाटा का इसका सबूत दे, ये घड़ी पहन रहा है टाइटन की इसका सबूत दे, ये जो मोबाइल है ओप्पो का इसका सबूत दे। कहां से देगा? बोलो बोलो, मिलने का सबूत। तो नाजायज होने के लिए सबूत चाहिए, जायज होने के लिए कोई सबूत नहीं चाहिए होता है। जो चीज हलाल है वो हलाल है, जो हराम है अल्लाह ने उसका जिक्र कर दिया। हराम है उसके बारे में बता दिया गया। लोगों बस सुन लीजिए, सुन लीजिए, और इंशाल्लाह मैंने नबी की आमद आपको बता रहा हूँ, आमद बता रहा हूँ। आमना फरमाती है, जब मेरे बेटे मोहम्मद की पैदाइश का वक्त हुआ तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे टूटे चले आ रहे थे। और लोगों और लोगों और सुनो, जिस दिन नबी तशरीफ लाए दुनिया में उस दिन पूरी मक्का में किसी के दरवाजे पे कोई भिखारी नहीं था। अल्लाह ने नबी की आमद के सदसे में सबको माला माल कर दिया था, सबको माला माल कर दिया। ओ मुरादपुर के लोगों, एक काम तुम भी करना अगले साल से अगर हो सके तो, मैं ये आपको मशवरा देकर जा रहा हूँ। नबी की आमद की खुशी में तुम चंदा करना और चंदा करके गरीब बच्चियों की शादियां कराना, ये काम जरूर करना अगर हो सके तो। ये काम जरूर करना इसलिए कि गरीब बच्चियां बिचारी अपने घरों में बैठी हैं, उनके बापों पे पैसा नहीं कि वो अपनी शादी कर सके। लोगों उन बच्चियों का ख्याल करना ये हमारी जिम्मेदारी है। नबी की पैदाइश की खुशी में हम पैसा इकट्ठा करके 5 बच्चियां सही मगर उनका निकाह करा दे। ये भी बच्चियों को इज्जत देना। आमिना फरमाती है कि किसी दरवाजे पे कोई भिखारी नहीं था, और जिस साल नबी की पैदाइश हुई थी किसी के घर में लड़की पैदा नहीं हुई, हर घर में लड़का पैदा हुआ था। जो है हर घर में अल्लाह ने बेटा दे दिया था। बस दो चार बात और बता रहा हूँ नबी की आमद के हवाले से, और बात खत्म कर रहा हूँ। इमाम साहब की फरमाइश थी तो इसलिए जरा मैं आपको कह दूं नबी की आमद की बड़ी लाजवाब। आमीना फरमाती है कि जब नबी की आमद 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 का वक्त हुआ तो लोगों सुने, सुबह सुबह का वक्त था, सुबह का 4:45, 4:45 सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग। एक पॉइंट, एक नुक्ता बता तो, एक गोरा कहता गोरा, इंग्रेज इंग्रेज कहता ये कौम मुस्लिम खाली अपने नबी की पैदाइश पे अमल कर ले तो पूरी दुनिया की सबसे तरक्की करने वाली कौम अगर कोई होगी तो कौम मुस्लिम होगी। अच्छा लगा तो बोलना, मैं बड़ा अच्छा बता के जा रहा हूँ। ये जुमला गोरे ने कहा, अगर कौम मुस्लिम अपने नबी की पैदाइश पे सिर्फ अमल कर ले, सिर्फ पैदाइश पर 63 साल की जिंदगी तो बिल्कुल एक तरफ रखो, अभी खाली पैदाइश पर अमल कर ले। गोरे से गोरा आगे लिखता है कि इनके नबी की पैदाइश हुई है सुबह 4:45, सुबह सादिक के वक्त हुई है। नबी ने दुनिया में आके सोई हुई कौमों को जगाया है। अगर मुसलमान अपने नबी की पैदाइश की निस्बत से सुबह ही सुबह उठ जाए और उठ के अपने रब की इबादत कर ले, और इबादत करके सुबह से अपना काम शुरू कर दे, तो जब तक दुनिया वाला सो के उठेगा मुस्तफा के गुलामों का काम हो जाएगा। काम अरे जब तुम सुबह 5 बजे 4 बजे उठ जाओगे तो दुनिया वाले 10 बजे उठ रहे हैं, 5 घंटे में तो तुम्हारा काम मुकम्मल हो जाएगा। बोलो बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मेरे भाइयों सुबह ही सुबह उठो। नबी दुनिया में जो तशरीफ लाए वो वक्त सुबह सुबह का था। भीनी सुहानी सुबहों में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। आगोश शौक खोले है जिनके लिए हतीम
वो मुड़ के देखते नहीं। ये धुन किधर की है? ये आला हजरत का शेर आज तक सुनते होगे, शायद ना समझ पाए होगे। आज अगर मैंने हक अदा किया है तो बोलो हाय हाय। आला हजरत उसी हदीस की तर्जमानी करते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं अर्शे हक है, अर्शे हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। अरे जब ये बात है सुनिए, अरे जब ये बात है क्या कि अर्शे हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, अरे जब ये बात है तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। अल्लाह से जब ये बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, हुजूर मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये बात है कि अल्लाह का अर्श उनकी मसनद बनेगा, ये बात है तो देखनी है, हाय हाय हाय, तो देखनी है, तो देखनी है भाई, तो देख ली। मैं कहूं भाई आगरे का पेड़ा बड़ा अच्छा होता है, लजीज भाई, तो खाना है। मैं कहूं भाई मुराद, ये मुरादपुर है क्या है? मुरादपुर का जलसा बड़ा अच्छा होता है, बड़े लोग अच्छे सुनते हैं, जबरदस्त पंडाल साउंड, तो सुनना जरूर है, तो सुनना जरूर है। साहिबे खाना जिसके घर मैंने खाना खाया, अल्लाह उनके दस्तरखान में बरकत अता फरमाए, आमीन, बड़ा अच्छा खाना खिलाया। मैं तारीफ करूं कहीं रामपुर में जाके, मैं मुरादपुर के जलसे में गला गया, बड़ा अच्छा खाना खिलाया, तो मुझसे कोई कहेगा मैं भी आपके साथ फिर अगले साल जाऊंगा मुरादपुर, और फिर तो ये बात है तो उनका खाना खाना जरूर है। अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह, क्या बात है? जब ये बात है तो देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वाह 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 वाह, क्या बात है? देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र। अल्लाह करे कि आप भी देखो, जी जी, अल्लाह करे मैं भी देखूंगा, अल्लाह करे नबी के सब गुलाम देखेंगे, जी जी, सब देखेंगे। और एक बात बताऊं, वहां जब नबी खड़े होंगे ना तो नबी के हाथ में एक झंडा दिया जाएगा, जी समझा, उसी जगह का नाम है मकामे महमूद। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, तवज्जो करना, मकामम महमूद, तवज्जो करना। अभी इतनी अच्छी जगह जो ना किसी नबी को मिली, ना किसी वली को मिली, तेरे नबी को मिली, बेशक हक है। मैं बताना चाहता हूँ, तो ज़िमनन आला हजरत का शेर आया तो समझाया, बात बताना ये चाहता हूँ हसन भाई, इतनी अच्छी जगह जो ना किसी नबी को मिली, ना किसी वली को मिली, जो जगह तेरे नबी को मिली, इतनी अच्छी जगह। नबी फरमाते हैं वो मकाम मुझे मिलेगा जाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद उस मकाम पर नहीं बैठा रहूंगा, गम मुझे उम्मत का सता रहा होगा तो मिजान पे आके खड़ा हो जाऊंगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, गम उम्मत का सताएगा तब उस जगह पर भी नहीं रहूंगा, गम उम्मत का सताएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यार सुन लीजिए, सुन लीजिए।